राधे राधे जी, वेलकम है आपके अपने प्यार से चैनल टैक जीजी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो i9 और i11 12 जितने भी होते हैं, ये इनकी रियलिटी की 500 रुपये में जो ये इनके डिब्बे पे लिखा रहता है ब्लूटूथ 5.0 माइक्रोफोन टच वॉच, ये सब रियलिटी में होता है कि नहीं। तो आज मैं इनको खोलने वाला हूँ और आपको इनके अंदर दिखाने वाला हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी होती है। तो आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसका केस ओपन करने वाला हूँ, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे जो इसके साइड में जो ये नट्स दे रखे हैं, इनको मुझे जो क्लिप बार है इनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने केस ओपन कर लिया है, एंड सबसे पहले केस ओपन करते के साथ ही जो सबसे पहले नज़र आती है हमें इतनी बड़ी सी जो है बैटरी, एंड उसके बाद नीचे की तरफ एक सर्किट बोर्ड दे रखा है। और अब देख लेते हैं जो ये इसका प्लास्टिक का केस है, इसके अंदर यहाँ पे एक बटन है और अंदर की तरफ आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। जो सब मैकेनिज्म है वो जो यहाँ पे जो ये वाला मेन बॉडी है इसी के अंदर सब चीज़ लगी हुई है। तो यहाँ पे एक बार इस पर भी गौर करते हैं तो नीचे की तरफ आपको जो पूरा एक सर्किट बोर्ड है वो देखने के लिए मिल जाता है, एंड बहुत ही छोटा सा ही आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो यहाँ पे जो ये बैटरी यूज़ करी गई है, बैटरी के ऊपर कोई भी डिटेल नहीं है कि कितने mAh की है ये, और बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बैटरी है ये। और यहाँ पे जो हमारे जो कैप होती है ऊपर की, उसके लिए हिंच दे रखा है। और जो नीचे पूरा सर्किट बोर्ड है, ये रहा बटन जिससे हम अपने जो ईयरफोन्स उनको चार्ज करते हैं, एंड इसी के इधर नीचे की तरफ आपको दे रखा है लाइटनिंग यूएसबी वाला जो होता है चार्जिंग पोर्ट वो, एंड यहीं पर जो पूरी इसकी जो सर्किट बोर्ड दे रखी है। तो मैं इन दो स्क्रूज को भी खोल लेता हूँ एंड देखता हूँ अंदर क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने इन दो स्क्रूज को भी खोल लिया है, अब आपको अच्छी तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे जो है इन्होंने बस दो चीज़ का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे बैटरी है और सिंपली सर्किट बोर्ड है। तो ये जो आप मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हो, जो यहाँ पे ये मैग्नेटिक की तरह ये चिपकते, तो ये कहाँ से होता है तो वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो नीचे की तरफ आपको जो ये दो मैग्नेट्स दिख रहे हैं ना, मैं सोचता था कि यहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ चार्जिंग पॉइंट होता है वहाँ मैग्नेट होता है, लेकिन नहीं, मैग्नेट जो है ऊपर की तरफ होता है। तो मुझे ये आज पता चला इसको खोलने के बाद। एंड जो इनके चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए कुछ इस टाइप के जो चार्जिंग पॉइंट्स जो एक्चुअल में दिखते हैं, और ये स्प्रिंग लोडेड है, मतलब ये दबाने पे दब रहे हैं। और इन्हीं के ऊपर जो हम अपने जो ये फेक एयरपोर्ट्स होते हैं उनको जब रखते हैं तो ये जो इन एयरपोर्ट्स को चार्ज कर देता है वायरलेसली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको बटन दबा दिया है, एंड मेरे तो ये ख़राब हो गए इसलिए मैंने खोल रहा हूँ, ठीक है, काम नहीं कर रही, अपने आप ही चलना बंद हो गए, चाइना का माल है यार, जब तक चले तब तक, ठीक है। तो मैंने ये 500 रुपये के लिए थे, और इसकी भी अनबॉक्सिंग ऊपर आई बटन पे, तो वहाँ से आके आप देख सकते हो। तो अब बारी आ जाती है हमारे जो ये ईयरफोन्स हैं, इनके अंदर क्या चीज़ होती है जो यहाँ पे टच दे रखा है, और उसके अंदर सोचो बैटरी कितनी सी होगी इतना जो हमें एक घंटे का बैकअप दे देती है। तो बिना किसी देरी के मैं इसे भी खोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ये ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक जो कनेक्टर्स होते हैं वो हमें साफ साफ अब दिखने लगे। और मैंने जो अब इसका ऊपर का जो कैप है वो भी खोल लिया है, और यहाँ पे जो ये बैटरी है इसको भी काट लिया। तो सब चीज़ मैं आपको बाद में अच्छे से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने जो पूरा जो है केस, उसमें सारा मटेरियल निकाल लिया है, एंड सबसे पहले जो इसकी बॉडी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है, इसी वजह से जब वो दोनों मैग्नेट चिपकते हैं तो अच्छी तरीके से जो हमारा जो पोर्ट है वो चार्ज हो पाता है। एंड उसके बाद जो आता है ये स्पीकर, तो यहाँ पे स्पीकर भी काफ़ी नॉर्मल सा है, जैसे आपकी जो ईयरफोन्स होती हैं वायर वाली, वही वाला स्पीकर यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे ये बैटरी का साइज़ देखो यार, एक बार साइज़ देखो कितना छोटा सा साइज़ है, एंड यही आपको मतलब जो है एक घंटे का बैकअप देता है इस बैटरी का। तो मैं तो चौंक गया यार, इतना छोटा साइज़ है बैटरी का। एंड अब जो है बात यहाँ पे सर्किट बोर्ड की आ जाती है, एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे माइक भी दे रखा है। मैं सोचता था कि माइक नहीं होता होगा, लेकिन माइक रियलिटी में अंदर दिया हुआ है। एंड यहीं पे ऊपर की तरफ आपको टच सेंसिटिव जो है पैड भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप दिखा रहा होगा कॉपर का एक, एंड जो पूरा सर्किट बोर्ड है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा होता है कि इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने इसे खोला तब इसमें मेरे को जो ब्लूटूथ 3.0 देखने के लिए मिला,
तो चलो कोई बात नहीं, ये तो अंदर की बात हमें खोलने पे पता चली है। एंड एक बार इस सर्किट का साइज देखो, मेरी जो उंगली का एक जो ऊपर का भाग होता है सिर्फ उतना बड़ा है। एंड इसी के अंदर आपको ब्लूटूथ, बैटरी, माइक्रोफोन सब सेट किया हुआ है। एक बार मतलब यार काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो यार अच्छी लगी होगी तो आप लोगों को पता ही यार इस वीडियो को एक प्यारा प्यारा नीला नीला लाइक कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट कर देना है। आप लोग ये सब जानते थे क्या, इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी बैटरीज होती हैं या फिर और सब कुछ जानते थे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार एक नीचे रेड कलर का बटन है इस टाइप का, तो उसे दबा के इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और भी ज़्यादा मस्त एक्साइटिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। We'll be right back.